फ्रेश प्रिंस क्लास 11th केमिस्ट्री, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप वीडियोस देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 26 एंड टॉपिक्स आर कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन मोनो नेगेटिव एंड ऑक्सीजन डाय नेगेटिव। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के वीडियो नंबर 26 में आज हम स्टडी करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डिफरेंट स्पीशीज O2, O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 माइनस 2 की बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन। तो चलते हैं, स्टडी करते हैं बॉन्ड लेंथ्स। रिक्वायरमेंट फॉर द पर्पज, हमें सबसे पहले किन बातों की जरूरत होगी और क्या हमें स्टडी करना पड़ेगा, इसके लिए हम देख सकते हैं। नंबर 1, एनर्जी लेवल डायग्राम हमें मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन किस रूल को, कौन से मेथड को फॉलो करता है एनर्जी लेवल डायग्राम की, जो कि आपको डायग्राम दिखाया गया है और आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके होंगे। लेफ्ट साइड में येलो बॉक्स में है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट साइड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड सेंटर में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना होगा, जहाँ की यहाँ पर आपको स्पेशली ग्रीन बॉक्स से शो किया गया है कि कहाँ पर स्पेशली ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल डायग्राम को हमें याद रखना है, और वो है सिग्मा 2PZ, पाई 2PX एंड पाई 2PY पर। एनर्जी लेवल डायग्राम आप सामने देख रहे हैं, जो कि राइट साइड में है लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी चीज को हम फॉलो करते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन दोनों रूल्स को हमें याद रखना होगा, समझना होगा, तभी हम आगे चल सकते हैं और कर सकते हैं। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जानते ही है किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है। सबसे पहले इसी को याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज द बेस, और उसी के बेस पर अलग अलग स्पीशीज को हमें स्टडी करना है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बेसिकली जानते ही हैं, लेफ्ट टू राइट जो भी लेफ्ट एंड राइट जो भी रेड बॉक्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और सेंटर में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 16 और उनको फिल किया गया है किस ऑर्डर में, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी है और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम में भी शो किया गया है। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम को बार बार बनाना और कंपेयर करना क्योंकि डिफिकल्ट होगा, सो बेटर होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान रखें और उसके ऑर्डर को, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हमें फिल करने हैं, ये भी हम ध्यान रखेंगे। इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी जब हम यूज करेंगे डिफरेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्पीशीज को। ये आपकेस है और इसको आपको याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेम्बर इट। बॉन्ड ऑर्डर, जो जो बातें हमें कंपेयर करनी है वो है सबसे पहले बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ को स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए? बॉन्ड लेंथ कैन बी स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जानते ही हैं, दैट इज हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंस का हाफ कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर। ये हम नोट करेंगे हर बार हर एक स्पीशीज के लिए, एंड देन इट इज कोरिलेटेड विद द बॉन्ड लेंथ। उसको फिर हम कोरिलेट करेंगे बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड लेंथ इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में कितना एवरेज डिस्टेंस है, वही कहलाता है उसका बॉन्ड लेंथ। और यहाँ पर ये जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस होगा। थर्ड पॉइंट होता है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती जाएगी एंड वाइस वर्सा। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। नाउ टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ऑक्सीजन रिक्वायर्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसके लिए हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेंगी हर एक स्पीशीज के लिए, डिफरेंट स्पीशीज के लिए? नंबर 1, कॉन्फिगुरेशन ऑफ ईच। नंबर 2, इट्स बॉन्ड ऑर्डर। एंड नंबर 3, इट्स रिलेशन विद बॉन्ड लेंथ। इन तीनों को हम याद करके, समझ के, लिख के कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि हम पढ़ चुके हैं, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्फिगुरेशन हम ये लिखी हुई है सामने, और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आता है NB-NA/2, और ये है 10-6/2=2। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर है 2।
ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसको हमने यहाँ पर भी रिवाइज कर लिया है। नाउ यूनिपॉजिटिव ऑक्सीजन, यूनिपॉजिटिव ऑक्सीजन मीन्स वन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के पास होंगे 15, एंड नाउ हमें इन 15 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इसमें कॉन्फ़िगरेशन में, और ये कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 2PY जो कि पाई स्टार है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा कम, तो इसको फिल करते जाएंगे इसी ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट। और जब हम बॉन्ड ऑर्डर स्टडी निकालेंगे इसके लिए तो बॉन्ड ऑर्डर होगा यहाँ पर Nb-Na डिवाइड बाई 2, 10-5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.5। तो यूनिपॉजिटिव ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, इसको आप सॉल्व करिए या करके देखिए। यूनिनेगेटिव ऑक्सीजन, यूनिनेगेटिव ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 17। अब उसी कॉन्फ़िगरेशन में जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए है हमें फिल करने होंगे 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर पाई स्टार 2px में वन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा पाई स्टार 2px2 जो कि डिफरेंस है बाकी ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन पॉजिटिव से। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर होगा Nb-Na/2 और वो होगा टोटल 10-7/2 इक्वल टू 1.5। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग आप खुद से भी करके देख सकते हैं। डाई नेगेटिव ऑक्सीजन O2-2, यहाँ टोटल -2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए गए हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में और टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 18। नाउ यही 18 इलेक्ट्रॉन वी हैव टू फिल इन द एनर्जी लेवल डायग्राम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द सेम वे फिल करते जाएंगे। और यहाँ हमने चेक किया है कि पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में ही आ गए हैं जो कि पहले नहीं थे, और इसके बेस पर जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं Nb-Na डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10-8/2, सो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है O2-2 के लिए 1.0। ये हमने सभी के बॉन्ड ऑर्डर्स कैलकुलेट कर लिए हैं, अब इसको हम कोरिलेट करेंगे बॉन्ड लेंथ के साथ। सो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स फॉर O2-2, O2-1, O2 एंड O2+ किस ऑर्डर में थे, O2-2 के लिए 1.0 है, O2- के लिए 1.5 है और O2 के लिए 2 है जबकि O2+ के लिए 2.5। सो लेफ्ट टू राइट बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है एंड द बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। हम जानते ही हैं कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ फॉर दीज ऑल स्पीशीज विल बी O2-2, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी और O2+ की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम का यूज ना करें, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बॉन्ड ऑर्डर निकालिए बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन बॉन्ड लेंथ से और हमारे पास होगा कंपेरिजन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड get the benefit of the videos in simple and in basic language. So, आप इसके डिटेल चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट डिटेल में देख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं चैप्टर में से। थैंक यू।